जब ये जनरेट होगा ई वे बिल, तो इसमें आपको गुड्स का टाइप देखने को मिलेगा, व्हीकल नंबर देखने को मिलेगा। जो वो विंडो आती थी जब सिंपल टैली आप सीख रहे थे, जब वो विंडो आती थी कि डेस्टिनेशन क्या है, तो वो हम स्किप कर देते थे, तो वो हमें फिल करना होगा कि कहाँ माल जा रहा है, ठीक है, और जो इसका जो सप्लायर है वो कौन है, ये तमाम डिटेल्स यहाँ पर आती हैं, ठीक है। और ये दो पार्ट्स में होता है, ठीक है ना। जब भी ई वे बिल एक्टिवेट हो जाता है, तो जब उसे जनरेट किया जाता है, तो जब आप एंट्री पास करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये सप्लायर द्वारा दिया गया बिल है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर होलसेलर पार्टी का लेजर आता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं होलसेलर ही लिख देता हूँ, होलसेलर पार्टी का नाम लिखता हूँ होलसेलर, ठीक है, तो ये हो गया होलसेलर, तो ये होलसेलर पार्टी का नाम है, ठीक है। और होलसेलर पार्टी का नाम लिख करके आप एंटर करेंगे, और एंटर करेंगे जैसे यहां पर आते हैं ना, तो यहां पर आता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर, क्या आएगा, ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप आएगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप दे दीजिए यहां पर, क्योंकि ये तो क्रेडिटर ही पार्टी होती है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये तो यस ही रहेगा आपका, ठीक है। यहां पर नीचे देखेंगे तो और भी डिटेल्स नजर आएंगी, जैसे यहां पर GSTIN का डिटेल नजर आएगा, और भी तमाम चीजें आएंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें यहां पर क्या करना है, यहाँ पर एंटर करना है, और एंटर करते हुए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको GSTIN अपना एंटर करना होता है, तो जो भी आपका GSTIN दिया गया हो, ठीक है, वो आप यहाँ पर एंटर करके और आगे बढ़िए, और यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। जब एक्सेप्ट कराते हैं तो ये एक विंडो खुल करके आती है, यहाँ पर आपको रिसिप्ट नंबर देना होता है, ठीक है, जो भी आपका रिसिप्ट नंबर हो वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एंटर करके आइएगा तो वो डेट आएगी, फिर यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर है, और यहाँ पर डिस्पैच थ्रू, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हीकिल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये मैंने व्हीकिल लिख दिया और एंटर किया। डेस्टिनेशन जा कहाँ रहा है, जैसे मान लीजिए हम इसे झारखंड भेज रहे हैं, झारखंड, तो ये झारखंड लिख दिया, या जहां भी जा रहा है, ठीक है भाई, स्टेट तो अलग ही होगा, ये जहां जाएगा उसका स्टेट अलग होगा, ठीक है, तो यहाँ जा रहा है ये झारखंड, ठीक है, तो यहाँ झारखंड हमने लिख दिया, एंटर किया। और कैरियर एजेंट का नेम मान लीजिए शिवा है, तो यहाँ लिख दिया कैरियर एजेंट का नेम शिवा है। बिल लैडिंग नंबर जो भी दिया गया हो वो आपको देना होता है। मोटर व्हीकिल नंबर, अब मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये लेके जा रहे हैं सारा सामान पिकअप से, तो पिकअप का नंबर जो भी होता हो, UP52 जो भी है, तो वो आपको यहाँ पर देना होता है, ठीक है, तो वो दे करके एंटर करिएगा, और एंटर करके फिर जैसे ही नीचे आते हैं तो नीचे आने पर ये आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एंटर करेंगे तो ये परचेज का डिटेल आएगा, ठीक है, और परचेज का डिटेल आने के बाद बाकी यहाँ पर सारी चीजें तो आप जानते ही हैं, ये चीजें तो कॉमन है, ठीक है, कि आपका जो भी प्रोडक्ट रहा हो, CPU रहा हो या जो भी रहा हो, जो प्रोडक्ट होगा, जैसे मान लीजिए लैपटॉप ही है, तो लैपटॉप लेके जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप 500 लैपटॉप लेके जा रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी ऐसा लेके जा रहे हैं, जो भी चीजें हो आप लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है एंटर करेंगे, और एंटर करके यहाँ पर जो है इसकी प्राइस डालेंगे, तो प्राइस मान लीजिए 40,000 है, तो यहाँ पे 40,000 डाला हमने, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और बाकी यहाँ पर आपका GST आएगा, तो CGST SGST भी पुलिस वाला पूछता है, तो आपको वो ई वे बिल वाला रिसिप्ट दिखाना होता है, ठीक है, ताकि जो व्यक्ति है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो चेक कर रहा है, उसको ये पता चल सके कि आप ये सामान कहाँ ले जा रहे हैं, आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है, गवर्नमेंट की जानकारी में है कि नहीं है, ये तमाम चीजें देखने के लिए ई वे बिल का। ERP 9 जब चला करता था तो 2017 में GST लागू करी गई थी, और जब GST लागू करी गई थी तभी जरूरत पड़ी थी ई वे बिल की, और उसी समय से ई वे बिल बनाया जाने लगा। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक GSTIN होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, और आप रेगुलर जो है अपना GST फाइल करें। जब GST लागू हुई तो उसी समय ई वे बिल भी बनाया जाने लगा, लेकिन ये ERP 9 के टाइम में काफी कठिन होता था, थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस लेंदी हो जाता था, ठीक है। तो जब टैली प्राइम आ गया तो सारा काम बहुत आसान हो गया टैली प्राइम के जरिए, तो टैली प्राइम में ये ज्यादा आसान है। और ये देख सकते हैं ये वेबसाइट खुली हुई है हमारे में, यहाँ पर जाकर के आप अपना ई वे बिल जो है, ई वे बिल के लिए आप रजिस्टर हो सकते हैं। चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं, पर मंथ फाइल करना होता है और किस किस तरीके से चालू करेंगे उसको आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये टैली प्राइम ओपन है, देख सकते हैं ये हमारा टैली प्राइम है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई बिल बनाना है, तो आप जनरली करते क्या है, वी बटन प्रेस करते हैं और बिल बनाना यहाँ पे परचेज में एंट्री कर लेते हैं, तो आपके पास जो बिल होता है उसकी पूरी डिटेल आ जाती है। लेकिन आपको एक्टिवेट कैसे करना है ई वे बिल को, उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए आपको कीबोर्ड से
यहाँ पर ये टैली के गेटवे ऑफ टैली, टैली की मेन मेन्यू पे रहते हुए यहाँ से आपको प्रेस करना है F11। क्या प्रेस करना है? F11 प्रेस करना है। तो यहाँ से जैसे ही F11 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये विंडो ओपन हो जाती है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर GST ऑलरेडी चालू है, लेकिन आपके में अगर चालू नहीं होगा तो Y बटन प्रेस करके एंटर करना होता है। और जैसे ही हम एंटर करते हैं ना, ये इस तरीके से ओपन होता है, ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से ओपन है। और यहाँ पर आपको जो है अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप देना होता है, तो हम रेगुलर हैं तो हम रेगुलर दे रहे हैं। और यहाँ पर एससी और फर्दर टेरिटरी है, अगर आप किसी यूनियन टेरिटरी से टर्म है आपका तो वो चीज यहाँ पर आएगी। बाकी यहाँ पर आपका आता है GSTIN नंबर, तो जो भी आपका GSTIN नंबर है उसे आपको दे देना यहाँ पर जरूरी है। तो GSTIN नंबर जरूर दे दीजिएगा, एंटर करिएगा। अगर आप ई इनवाइसिंग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग करते हैं, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। एप्लीकेबल कब से होगा ये आपको देना होता है। तो यहाँ पर 1/4/2024 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। इसके बाद इनवाइस बिल फ्रॉम प्लेस, किस प्लेस से ये इनवाइस बिल बन रहा है तो उसका नाम यहाँ पे देना होता है। तो देवरिया से मैं बना रहा हूँ। और यहाँ पर ये देखिए ईवे बिल को आपको यस करना होता है, और यहाँ पर जब से अप्लीकेबल होता है वो डेट यहाँ पे रहती है। तो 1/4/2024 जैसा कि देख सकते हैं ये मैंने दे दिया है। और यहाँ पर ये मामला इंटरेस्ट स्टेट का है, तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट स्टेट रखा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये ईवे बिल चालू हो जाएगा। और इस पूरी विंडो को एक्सेप्ट कराने के लिए आपको कंट्रोल के साथ ए करना होगा, और जैसे ही ए करेंगे तो ये कंट्रोल ए करने के साथ साथ एक्सेप्ट हो जाएगा। और अब आप ईवे बिल बना पाएंगे। कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जबकि हम टैली ERP9 यूज किया करते थे तो उस समय काफी दिक्कत थी, लेकिन ईवे बिल आखिरकार हम रजिस्टर कैसे करेंगे अपना, तो इसके लिए हमें गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना होगा। और उस गवर्नमेंट की वेबसाइट का नाम है ewebill.nic.in। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ गूगल पे सर्च करके, ewebill.nic.in। यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है, और यहीं से आपको ईवे बिल दिखेगा, ठीक है। ये वो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स ईवे बिल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से आपको ईवे बिल मिल जाता है, ठीक। जब आप अपना ईवे बिल रजिस्टर करेंगे तो वो आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो सकते हैं। और दिन भर आपने जो भी बिल बनाया, चाहे 10 बनाया हो, 50 बनाया हो, या लास्ट वाला जो भी बनाया हो, शाम तक बिल बनाते रहे, तो उनका एक जगह जो है आप डिटेल दिखा दीजिए, और वहां से आपको एक ईवे बिल, यानी कि इसमें लॉगिन करने के बाद आप डिटेल बताइए और उसके अकॉर्डिंग आपका ईवे बिल जनरेट हो जाएगा, बिल नंबर आपको मिल जाएगा, और उसकी एंट्री आप अपने टैली सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, ठीक है। ये फायदा है।